हे गाइस, इट्स मी धीरुमांचिक एंड ये गाइस मेरा सेकंड चैनल है। होप यू गाइस कैन सी मी, क्योंकि अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और अभी मैं फिलहाल जिम जा रहा हूँ और जिम मेरे घर से थोड़ा ही दूर है तो इसलिए मैं पैदल ही जाता हूँ। बेसिकली जो मेरा मेन चैनल है उस पर आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरी कुछ वीडियोस येलो डॉलर हो जा रही है और कुछ वीडियोस पे एज रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो यार अभी मैं सो के उठा था और मैंने जैसे ही अपना फोन चेक करने के लिए उठाया उस पर यूट्यूब की तरफ से मेल आ रखा था कि तुम्हारी पिछली वीडियो जो कि पॉन बंदी इन इंडिया करके थी वो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई है। एज रिस्ट्रिक्ट मतलब भाई वो वीडियो ज्यादा लोग नहीं देख पाएंगे। और उसी वीडियो पे नहीं, मेरी बहुत सारी पिछली वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों, जबकि वो वीडियो पूरी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे एक चैनल खोलना था बहुत पहले से, तो मैंने अभी ये खोला है। बाकी मेरा जिम आ चुका है, अब मैं तुमसे घर जाके बात करूंगा वर्कआउट के बाद। चलो फिर बाय। वर्कआउट का क्या, बकचोदी करता हूं मैं। तो यार मैंने जिम में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं जिम में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता तो सब लोग मुझे ऐसे देखते, पता नहीं भाई जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब घूरते, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यार अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाई डिड आई क्रिएट दिस चैनल। तो देखो एक चीज तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि उस चैनल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने ये चैनल बैकअप के लिए क्रिएट किया, कभी आगे कुछ होता है तो ये चैनल मेरे पास रहेगा। मतलब तुम लोग मुझे देख रहे होगे, मैं इस चैनल पे अपनी आराम से वीडियोस डाल सकता हूँ। और दूसरा रीज़न, मुझे उन वीडियोस के अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है। मैं बहुत कुछ करता हूँ, जैसे कि डांस करता हूँ, तुम लोगों को पता ही है थोड़ा बहुत। तुम में से काफी लोगों को पता है कि मैं डांस करता हूँ, ठीक ठाक करता हूँ, ज्यादा अच्छा नहीं करता, मतलब मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो मैं जो भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ मैं वो उस चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला। तो मुझे जो भी एक्स्ट्रा करना होता है मैं उस चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि उस चैनल पे लोग मेरी मतलब रोस्ट वीडियोस और कॉमेडी के लिए मेनली आते हैं। मेनली उस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ जो ज्यादा लोग समझ पाए, जो ज्यादा लोगों को पसंद आए। तो एक ये रीज़न है। और तीसरा रीज़न ये है कि तुम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा वीडियोस अपलोड किया कर, तेरी वीडियोस बहुत लेट आती हैं। तो यार तुम लोगों को पता ही है मैं सब कुछ खुद करता हूँ, तो टाइम लगता है वीडियोस आने में। और वो भी छोड़ो यार, मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर भी दूंगा तो ये भी देखना पड़ता है कि यार ये वीडियो अच्छा बना नहीं बना, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं उस चैनल पे मतलब बढ़िया कंटेंट जो मुझे अच्छा लगता है, जो मतलब कि मुझे लगता है कि ये सॉलिड है, वो अपलोड करता हूँ। बाकी बातें मैं नीचे जाके करूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा देख के मुझे छत पे लोग आस पड़ोस के ऐसे घूर रहे हैं, पता नहीं जैसे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन बाद जिम गया था ना, तो यार बॉडी में पेन हो रहा है। तो यार अभी जो मैंने ये चैनल ओपन किया जिसका नाम क्या, मैंने तो अभी नाम भी नहीं सोचा नाम क्या रखना है। धीरुमांचिक एक्स्ट्रा रख देंगे और क्या है, या फिर देख लेना यार जो भी है चैनल का नाम, शायद धीरुमांचिक एक्स्ट्रा ही होगा। तो यार इस चैनल पे मेरा जो भी मन करेगा मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, बिना कुछ सोचे समझे कि लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि उस चैनल पे वीडियो डालने से पहले मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि भाई ये वीडियो चलेगा नहीं चलेगा, लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन इस चैनल पे जो मेरा मन करेगा, जैसे मेरा मन करेगा मैं वो अपलोड कर दिया करूंगा, लेकिन अच्छा ही करूंगा, लेकिन बढ़िया वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी जो मेरे दिमाग में इस चैनल को लेकर मैं क्या क्या अपलोड कर सकता हूँ, डांस वीडियोज। वैसे तो पिछले 1.5 साल से मैंने बहुत ही कम डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं वीडियोज में ज्यादा ध्यान होता तो उधर प्रैक्टिस नहीं कर पाता था डांस की। लेकिन अब मैं डांस की पूरी प्रैक्टिस करूंगा शुरू से और वीडियोस बना के अपलोड भी किया करूंगा। ये और भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहता हूं जो कि मैं उस चैनल पे नहीं अपलोड कर पाता, तो मैं इस पे अपलोड किया करूंगा, चाहे वो रोस्टिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी नए ट्रेंड से रिलेटेड हो या फिर मीम्स से रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी आएगा, कुछ भी, फुल बकचोदी मतलब एकदम। और यार भाई मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि मैं एक सेकंड चैनल ओपन करूं, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से मैं नहीं कर पाता था। और मैं बहुत ज्यादा आलसी भी हूं यार, लेकिन भाई अब मैंने आलस उलस सब त्याग दिया, अब तुम्हारा भाई फुर्तीला हो गया है बहुत ज्यादा। तो इस चैनल पे भी वीडियोस आएंगी और धीरुमांचिक जो मेन चैनल है उस पर भी वीडियोस आएंगी। यार अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ देखना मेरे से रिलेटेड तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी उस चैनल पे मेन चैनल पे धीरुमांचिक वाले पे भी वीडियोस आएंगी, इस पे भी आएंगी। क्योंकि यार अगर मैं खाली होता हूं और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है इधर उधर की, और फिर वही बात भाई मूड खराब हो जाता है। तो यार मैं अब अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करूंगा और तुम्हें दिखाने की भी कोशिश करूंगा।
तो यार अगर तुम चाहते हो ऐसे ही वीडियोस देखनी एक्स्ट्रा जो भी मैं करना चाहूंगा करूंगा अब, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका मन है मत कीजिए, लेकिन कर लोगे यार बहुत अच्छा होगा, प्लीज कर लेना। बाकी यार तुम लोगों का सपोर्ट है ही मेरे साथ, तुम लोग मेरे साथ हो तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता ही है, चीता यार तुम्हारा भाई। चलो यार बस ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो पे इस चैनल या उस चैनल पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, और जो भी कर रहे हो जैसे भी कर रहे हो करते रहो बहन।